एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर, और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास तो आपकी रीजनिंग की है, और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो वर्णमाला श्रृंखला वाला चैप्टर है, जिसकी चार क्लासें आपकी हो चुकी हैं। तो क्लास नंबर 5 पे देखते हैं क्या है। तो इसमें ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप लोगों को देखना है, पहले इसे पढ़ लें आप। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर होगा, फिर ये क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके लिए लगाए हैं, वो इस बेस पे आधारित है। क्या बोला गया है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब जैसे सपोज करो ये हमारी वर्णमाला है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसी डॉट डॉट चलता जा रहा है, और ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया है। ए से शुरू करते हुए मतलब ए भी हटेगा। बच्चे क्या करते हैं, बी हटा देंगे, डी हटा देंगे, एफ हटा देंगे, एच हटा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। बोला ये गया है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया गया, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो ए हटेगा, सी हटेगा, ई हटेगा, जी हटेगा, आई हटेगा, तो बचेगा क्या, बी डी एफ एच जे, इस तरह से होगा। अब ध्यान से देखें, मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है, ध्यान से देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी रैंक कितनी होती है, 2, इसकी रैंक 4, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 10। अब ध्यान से देखना, जो आप लोगों को दिखाना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। कहने का मतलब ये है, अब जो नई आपकी वर्णमाला बनी है उसमें रैंक डबल हो रही है, उसमें रैंक क्या हो रही है, डबल। आप देख लें, ए के नीचे बी आया है, बी के नीचे डी आया है, सी के नीचे एफ आया, डी के नीचे एच आया, ई के नीचे जे आया, तो रैंक डबल आ रही है। अब देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप क्वेश्चन पे आ जाएं, अपने क्वेश्चन पे आएँ। तो पहला क्वेश्चन है, बाएं से पांचवें, लेफ्ट से कौन सा, पांचवा, के दाएं चारवा। अब देखो ये बाएं हैं और ये दाएं हैं, तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं, अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। और ये कहाँ से निकलेगा, बाएं से निकलेगा, पर इसमें अब हमें क्या करना होगा, अब हम इस वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इस सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये डबल आपको करना होगा, 9 × 2 = 18, तो 18 किसकी रैंक होती है, आर की। तो आपका आंसर, 9 की रैंक तो आई होती है या आई की रैंक 9 होती है, तो आपका जो आंसर होगा वो आई नहीं होगा, 18 मतलब आर होगा। निक्की उधर से दरवाजा लगा दे, अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से नहीं, उधर का भी कोई ना हो, अंदर से कुंडी मार दी, हम उस कुंडी मार दे, अंदर से इधर को निकल जाएगा जो भी निकलेगा, ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका जो आंसर आएगा, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, आई की रैंक 9 होती है या 9 किसकी रैंक है, आई की, तो आई नहीं आएगा बात, और डबल हमको करना होगा, वो क्यों करना होगा आप देख लें, ये वाली सीरीज बनेगी अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 33, बाएं से तेहरवा, बाएं से कौन सा है, तेहरवा है, के बाएं पांचवा। अब बाएं और बाएं एक सी दिशाएं घटती है, तो तेहरे में से 5 घटा दें आप, तेहरे में से 5, तो तेहरे में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, ठीक है, क्या बच जाएगा, 8। पर इसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग है, है ना, वहाँ लिखा हुआ आएगा आपको ये क्वेश्चन इस तरह से, तो 8 × 2 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 किसकी रैंक होती है, पी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, पी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। इससे आगे आ जाए, 32, अच्छा ये 33 है आपका, ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, P। 34 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, दाएं से पांचवे मतलब राइट से पांचवे, के बाएं तीसरा, के बाएं कौन सा, तीसरा। अब ये दाएं हैं और ये बाएं हैं, तो अलग अलग दिशाएं जोड़ती हैं, तो 5 और 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। पर ये दाएं से 8वां है, अब कहाँ से 8वां है, दाएं से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, अब आपका दाएं से आया है, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज़ को आपको समझना होगा बहुत ज़रूरी से, ठीक है। अब दाएं से आया है, तो दाएं से अगर आपको निकालना होता किसी का स्थान, तो 27 में से घटाना बताया था, पर 27 में से घटाना तब बताया था जब कंप्लीट वर्णमाला थी, जब हमारी कंप्लीट वर्णमाला थी, तो कंप्लीट वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26, तो
टोटल से एक अधिक में से अगर हम घटाते हैं तो दाएं से किसी का स्थान निकालते तो 27 में से घटा रहे थे, पर यहाँ एक एक लेटर कम हो गया है। तो अब हमारी इस वर्णमाला में जो लेटर बचे हैं इस वाली में, टोटल लेटर आपके जो है 13 बचे हैं। कितने बचे हैं? 13। तो अब अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना होगा तो 14 में से घटाएंगे। जब कंप्लीट वर्णमाला थी और जब दाएं से किसी का स्थान निकालना था तो तब 27 में से घटा रहे थे, क्योंकि टोटल 26 होते थे तो 27 में से घटा रहे थे। और अब वर्णमाला में जो लेटर है वो 13 है। कितने हैं? 13। तो अब 14 में से घटाएंगे, तो 8 को अब 27 में से नहीं घटाएंगे, कितने में से घटाएंगे? 8 को अब 14 में से घटाएंगे। तो 14 में से 8 गया 6, पर अब इसका डबल भी करना होगा। डबल क्यों करेंगे? क्योंकि ये आदि वर्णमाला है, तो 6 × 2 = 12, और 12 किसकी रैंक होती है? एल की। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 34 का एल हो जाएगा। ध्यान से आप देख लें, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 35 पे आ जाए। 35 देखो इसमें क्या है, दाएं से 10वें, दाएं से कौन सा? 10वें के दाएं 5वां। अब एक सी दिशाएं घटती हैं तो -5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा, पर ये दाएं से आया है। अब दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना हो तो पूरी जो वर्णमाला होती हो तो उसमें तो 27 में से घटाते हैं, पर ये आदि वर्णमाला इसलिए इसे 14 में से घटाएंगे। हाँ, 42 की है। 2 किसने दिया? 2 की नंबर के बराबर में जा रहा सनी। अच्छे दोनों के नाम में जोड़ना है, कभी घर पर पूजा बना ठीक जोड़ पड़ेगी तो ले। ठीक नमस्ते। तो अब इसे जो बाएं हम करेंगे तो इसे 14 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 14 में से। तो 14 में से आप 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 9। अब इसे डबल करना होगा तो 9 × 2 = 18, और 18 किसकी रैंक होती है? आर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर इसका आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा अलग था कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको दिखाते हैं, उसको आप ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाए। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। इस बार बी से शुरू करता हुआ दूसरा अक्षर हटा रहा है। अगर हमारी वर्णमाला ये लिखी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये जा रही है। तो अब इसने क्या कहा, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया। बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटाया है मतलब ए नहीं हटाया, बी हटा दिया सी, डी हटा दिया ई, एफ हटा दिया जी, एच हटा दिया आई, एच हटा दिया आई, मतलब बी हटाएगा, डी हटाएगा, एफ हटाएगा, एच हटाएगा, जे हटाएगा, एल हटाएगा, ठीक है। तो फिर बचेगा क्या यहाँ? जी बचेगा यहाँ, और यहाँ पे आई बच जाएगा, और यहाँ पे के बच जाएगा। देखो इसी से आपको समझ आ जाएगा जो मुझे आप लोगों को समझाना है। ध्यान से देखें, इसकी रैंक 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 10, इसकी 11, इसकी 12, ठीक है। इसकी रैंक कितनी है? 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा ये गलत लिख दिया गया है, जी नहीं आएगा है, जी से आगे क्या आएगा है? के आएगा। क्या आएगा? के, ठीक है। 11। अब देखो इसमें जो था इसकी रैंक तो 1 थी, अब ये पहले नंबर पे तो ये आया है, और दूसरे नंबर पर क्या आया है आपका? सी आया है, और सी की रैंक कितनी है? सी की रैंक है आपकी 3। तो इसमें क्या रिलेशन बना है? अभी जब हमने वहाँ पे विषम हटाए थे तो वो सम की सीरीज बन रही थी, तो वो डबल हो रहा था, वो क्या हो रहा था? डबल। पर यहाँ पे सम हटे हैं तो विषम आए, तो ये क्या रिलेशन बन रहा है, है? आपको इसकी रैंक कितनी है? 1। देखो मैं इधर समझाता हूँ, इसकी रैंक कितनी है? 1 × 2, तो 2 × 2 − 1 तो 1 आएगा, ठीक है। इसकी रैंक आ जाओ 2 है तो दोगुना करो, −1 करो, 2 × 2 = 4, 4 में से 1 गया तो 3 आ रहा। देखो इसकी रैंक का डबल −1 करेंगे तो ये आ रहा, इसकी रैंक का डबल करो 3 × 2 = 6, 6 में से 1 गया तो 5, इसकी रैंक का डबल करो 4 × 2 = 8, 8 में से 1 गया 7, इसकी रैंक का डबल करो 5 × 2 = 10, 10 में से 1 गया 9, इसकी रैंक का डबल करो 6 × 2 = 12, 12 में से 1 गया 11। कहने का मतलब ये है, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन करे थे उसमें हमें 2 से गुणा करनी पड़ रही थी, इसमें हम 2 से गुणा −1 करेंगे, डबल करके −1 करना है, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चनों पर आ जाओ। बाएं से 5वें, बाएं से कौन सा है? 5वां के दाएं 4वां। अब देखो ये बाएं हैं और वो दाएं हैं तो अलग अलग तो जुड़ते हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 9। अब इसमें डबल नहीं करना है, डबल −1 करना है, डबल −1 करना है, क्योंकि ये सीरीज जो है अब 26 लेटर की नहीं 13 लेटर की है, ठीक है। तो 9 × 2 = 18 में से 1 गया 19, तो इसका 19 किसकी रैंक होती है? एस की। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36 का आपका एस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 36 का।
मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, नोदनी 18 में से एक जगह है तो 17 आएगा, कितना आएगा 17, और 17 किसकी रैंक होती है, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई, दोबारा से देख लें, नोदनी 18 में से एक गया तो 17, तो इसकी रैंक जो है 17 आई, और 17 किसकी रैंक होती है, क्योंकि रैंक होती है, 17 किसकी रैंक होती है, क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, बाएं से दसवें के बाएं चारवां, दसवें के बाएं चारवां, अब देखो ये भी बाएं है ये भी बाएं है, तो एक सी दिशाएं तो घटती है ना, तो दस में से चार गया तो कितना आएगा 6, अब हम क्या करेंगे, डबल माइनस एक, तो 2 माइनस 1 6 दूनी 12, 12 में से एक गया तो 11, और 11 किसकी रैंक होती है, के की, और ये आया भी कहां से है, बाएं से ही आया, कहां से आया है, बाएं से आया है, बात समझ में आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा 37 का, वो हो जाएगा आपका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए 38, अब देखो दाएं से दसवें, कहां से, दाएं से दसवें के दाएं चारवां, अब देखो ये भी दाएं है और ये भी दाएं है, तो एक सी दिशाएं तो घटती है ना, तो घटाएं, -4, तो कितना आएगा 6 आ गया, पर ये दाएं से आया, कहां से आया है, दाएं से, और अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना हो तो 27 में से घटाते हैं, पर 27 में से जब घटाते हैं, जब वर्णमाला कंप्लीट होती है, मतलब तब वर्णमाला 26 लेटर की होती है, और अब वर्णमाला में एक एक लेटर कम है, तो अब वर्णमाला में टोटल लेटर है 13, कितने हैं 13 हैं, कितने हैं टोटल लेटर 13 हैं, तो अब कितने में से घटाएंगे 14 में से, क्योंकि जब 26 होते हैं तो 27 में से घटाते हैं, और अब 13 हैं तो 14 में से, टोटल से एक अधिक में से घटाएंगे, अगर दाएं का बाएं करना है, ठीक है। तो ये दाएं से है, तो आप इसे कितने में से घटाएंगे 14 में से, तो 14 में से 6 घटा दे, तो 14 में से 6 गए तो कितना आया 8, अब क्या करेंगे, दुगना माइनस 1, वो तुम्हें पता ही है दुगना माइनस 1 क्यों करना है, तो इसका डबल माइनस 1, तो 8 दुनी 16, 16 में से 1 गया तो 15, और 15 किसकी रैंक होती है, ओ की, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 38 का, ओ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 39, देखो दाएं से पांचवे, दाएं से कौन सा है पांचवा, के बाएं चारवा, के बाएं कौन सा हो जाएगा चारवा, अब अलग अलग दिशाएं तो जुड़ेंगी क्योंकि ये दाएं है वो बाएं है, तो कितना हुआ 9 हो चुका है, ये 5 और 4 9, पर ये 9 जो है ये दाएं से है, कहां से है दाएं से, अब दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना है तो इस वर्णमाला में 14 में से घटाना होगा, तो 14 में से आप 9 घटा लें, तो जब आप 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5, अब क्या करेंगे दुगुना माइनस 1, तो 5 दूनी 10 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 9, और 9 किसकी रैंक होती है आई की रैंक होती है, 9 किसकी रैंक होती है आई की, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आई आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे, दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।